और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर कौशल गांगुली के सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। गांगुली की पत्नी का आरोप ये है कि दिल्ली पुलिस के एक एडिशनल डीसीपी उनके पति को कई दिनों से परेशान कर रहे थे और उनके दबाव की वजह से ही कौशल गांगुली ने आत्महत्या कर ली। गांगुली की पत्नी ने पूरे मामले की अब सीबीआई जांच की मांग की है। तो इंस्पेक्टर कौशल गांगुली के सुसाइड केस में एक नया मोड़ आया है जहां उनकी पत्नी ने सीबीआई जांच की मांग की है और कहा कि दिल्ली पुलिस के ही एक एडिशनल डीसीपी उनके पति को बाकायदा हैरेस कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। ये बात तो मुझे नहीं, पूरा डोडा उन्होंने अपने आप को शूट नहीं किया क्योंकि वो इतने बुजदिल नहीं थे। नंबर दो, अगर किसी कारण उन्होंने अपने आप को सुसाइड किया है तो इसका रीजन ये है कि उनके एक जावा टू जो सीनियर ऑफिसर है उन्होंने उनको बहुत तंग किया इन दो ढाई तीन महीने में, कम से कम फरवरी से। वी डोंट वॉन्ट एनीथिंग, वी जस्ट वॉन्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और हमें कोई भी इनका इंटरनल अफेयर नहीं चाहिए बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट देम। हमने अपने पापा को इसलिए भेजा था कि सिर्फ फाइल लेनी, हमें नहीं पता था पापा ने कुछ ऐसा कर लेना और हमें मान ही नहीं रहे कि पापा ने सुसाइड किया है। इट हैज ऑल बीन प्लान्ड। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, परिवार ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, दिल्ली पुलिस का क्या रुख है? बिल्कुल आसल, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि वो इनका ऐसा इस तरीके से कोई भी रोल नहीं था। एडिशनल डीसीपी साउथ ईस्ट का नाम लिया है परिवार ने, जावा टू का नाम लिया है कि उनकी वजह से ही, क्योंकि जावा टू लगातार उनके पिता को जो कौशल गांगुली थे उन्हें परेशान कर रहे थे और जो जाति सूचक शब्दों से उनको जो है बेइज्जत किया जाता था, उनके मुंह पर फाइल देके मारी जाती थी उनके जूनियर के सामने और इसी के चलते वो काफी डिप्रेशन में थे। 10 तारीख को यानी बुधवार को वो बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में घर से बाहर गए थे और उसके बाद रात को उनकी जो मौत की खबर है सीआर पार्क थाने के अंदर के टॉयलेट के अंदर उन्होंने खुद को गोली मारी थी। आज जब परिजनों ने सीबीआई जांच का जो है मांग किया क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले में इंटरनल इंक्वायरी गठित कर दी, लेकिन जो परिजनों के मुताबिक उनको दिल्ली पुलिस की इंटरनल इंक्वायरी पर बिल्कुल यकीन नहीं है। और अब से जी रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अभी थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जिसका हम रुख करें।